और साथ ही साथ उनको ये भी पता चल जाता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स है या नहीं। भाई आधी नींद में इंसान बात कर रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो इंटरव्यू के दौरान ये जान सके कि जो स्टूडेंट है वो जेन्युइन है या नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष एंड वेलकम बैक टू एस व्लॉग्स। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो भाई मैंने थोड़े दिन पहले एक पोल डाला था जिसमें मैंने दो ऑप्शंस रखे थे। पहला था कि भाई कैश लेटर के बारे में मेरे को डिस्कस करना है पहला, और दूसरा था मेरे को पैकिंग की एक वीडियो बनाने की, जो भी बच्चे सितंबर इनटेक में आने वाले हैं उनके रिलेटेड था। आपने सबसे ज्यादा वोट दे कैश लेटर वाले टॉपिक को, तो आज भाई मैं उसी के रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाली है, तो मेक श्योर बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप वो बिल्कुल भी स्किप करो। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। तो भाई सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि भाई कैश लेटर है क्या चीज। कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज। कैश लेटर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक यूके इंस्टीट्यूट या फिर किसी यूनिवर्सिटी द्वारा जो आपको एडमिशन देता है। जो कैश लेटर है वो एक प्रूफ की तरह काम करता है यूके होम ऑफिस में कि जो स्टूडेंट है उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो यूके में स्टडी कर सके। और जो कैश लेटर होता है उसमें एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है जो कि आपको हेल्प करता है यूके में स्टडी वीजा लेने के लिए। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश लेटर। द कैश लेटर एक्ट एज ए एविडेंस फॉर योर वीजा एप्लीकेशन कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो उनके लिए। और इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जैसे कि आपकी ट्यूशन फी, आपका कोर्स के डिटेल्स और आपके फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स भी, और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी वीजा प्रोसेसिंग के लिए। और हम तीसरी जरूरी बात पे आएंगे और वो है कि और हम तीसरी बात पे बढ़ेंगे और वो है डिटेल्स इंक्लूडेड इन द कैश लेटर। कैश लेटर में एक रेफरेंस नंबर होता है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि यूनिक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड किया जाता है यूके की होम ऑफिस के द्वारा। और उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल योर नेम, आपका पासपोर्ट, आपकी नेशनलिटी और आपकी अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और उसमें आपकी कोर्स की डिटेल्स होती हैं कि कोर्स का नाम क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है और वो कौन से लेवल का है। और उसके बाद जो इंस्टीट्यूट में आप जाने वाले हो उनकी डिटेल्स होती हैं उसमें, और कौन सा वो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वो भी। और उसके बाद आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, जिसमें बताया होता है कि आपने जो फीस उनको पे की है, जो डिपॉजिट उनको दिया है, वो भी उस कैश लेटर में लिखा होता है। और उसमें लिखा होता है कि आपका कोर्स कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, वो भी लिखा होता है उसमें। अगर आप एप्लीकेबल हो, अगर आपने आईएलटीएस, टॉफल या पीटी इनमें से कुछ दिया है या इसके अलावा कुछ इंग्लिश का कोई टेस्ट दिया है तो वो भी उसमें लिखा होता है। हमारा अगला जरूरी पॉइंट है हाउ टू ऑब्टेन द कैश लेटर। सबसे पहले जो प्रोसेस शुरू होता है वो होता है कि जब आप अप्लाई करते हो आपको एक ऑफर लेटर देती है एक यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर होती है। फिर उसके बाद आप एक्सेप्ट करते हो उनके ऑफर को। फिर उसके बाद आप उनकी कंडीशंस को मीट करते हो, जैसे कि उसमें होता है कि आपको इनिशियल डिपॉजिट देना है, वो सब आप उनकी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है जब आप उनको मीट करते हो, उसके बाद डिपॉजिट पेमेंट होती है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की 50% भी हो सकती है और मे बी 70% भी हो सकती है। इट्स डिपेंड कि आप कितनी देना चाहते हो, बट अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ तो एटलीस्ट 60% या फिर लाइक 50% तो आपको पे करके आना चाहिए अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स पे आ रहे हो तो। आफ्टर दिस यू हैव टू प्रोवाइड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू देम, सच एज वो आपके पासपोर्ट की कॉपी मांग सकते हैं, आपके एकेडमिक्स ट्रांसक्रिप्ट्स मांग सकते हैं, एंड दे कैन इवन आस्क फॉर द प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं कैश लेटर के लिए। वंस ऑल रिक्वायरमेंट्स आर मीट, तो जो यूनिवर्सिटी है वो आपको कैश लेटर प्रोवाइड करेगी विद इन 2 or 3 weeks। किसी किसी का मैंने देखा कि 1 महीने से ज्यादा भी लग जाता है, तो मेक श्योर आप यूनिवर्सिटी को रिवर्ट करते रहो। आपके जो एजेंट हैं, अगर एजेंट नहीं है या अगर आप खुद भी अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर आप उनको रिवर्ट करते रहो, उनको मैसेज करते रहो, उनको मेल्स वगैरह करते रहो, ताकि आपको अप टू डेट रहे कि आपको कैश लेटर की जो परफॉर्मेंस है या जो भी अपडेट है वो आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। और अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी ऑफ कैश लेटर, सबसे पहले तो आपको उनका ऑफर एक्सेप्ट करना होता है, जो वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं वो। और उसके बाद आपको प्रूफ दिखाना होता है उनको कि आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जो फी है आप वो भी पे कर सकते हो, और आप आने वाले 9 months का आप एक्सपेंस आप बेयर कर सकते हो, आपके लिविंग एक्सपेंस आप बेयर कर सकते हो, आपको वो भी प्रूफ दिखाना पड़ता है उनको। और आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी मांग सकते हैं, सबके लिए जरूरी नहीं है बट मेजॉरिटी टाइम्स वो मांग लेते हैं, अगर नहीं मांगते तो वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर वैसे तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, किसी किसी की नहीं भी होती कि उनको इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड ही नहीं होता, बट अगर किसी को होता है तो उनको देना पड़ सकता है। और उसके बाद सबसे जरूरी हो जाता है कि यू मस्ट नॉट हैव ए प्रीवियसली रिफ्यूज्ड वीजा और हैव एनी इशू विद योर यूके इमिग्रेशन हिस्ट्री। और अगर मैं बात करूँ जो कैश लेटर होता है उसकी वैलिडिटी कब तक होती है, अ कैश लेटर इज टिपिकली वैलिड फॉर 6 months एंड यू मस्ट अप्लाई फॉर द स्टडी वीजा विद इन 6 months इटसेल्फ एंड नो लेटर देन 3 months बिफोर योर कोर्स स्टार्ट्स। अब हम बात करेंगे मिस्टेक्स
to be avoided. Don't give incorrect information to them. जब भी आप अपना कैश लेट अप्लाई कर रहे हो, make sure you double check your name, your passport ID number and even your other personal information. Submit करने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना. And make sure don't wait until the last minute कि मैं last moment पे उसको upload कर दूँगा. Within time आपको सब कुछ करना है, आपको delay नहीं करना किसी भी चीज़ का, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना. और उसके बाद अगर मैं बात करूँ unmet financial conditions की, and ensure that you have paid the required tuition fee, deposit, और जो आप proof देते हो cash letter के लिए, make sure आपके पास वो पहले का ही हो, आपको पहले वो fees देनी है, उसके बाद आप cash letter apply करना. अब हम आगे बढ़ते हैं. Financial requirements और proof of funds. You must demonstrate that you have enough funds to cover your tuition fee and your living expenses. If you are living in London, वो होना चाहिए around about 1334. अगर आप outside London रह रहे हो तो आपको होना चाहिए 1 or 2-3 pounds per month. और अगर मैं बात करूँ की details of cash letter interview, जो credibility interview होता है उसका main aim यही होता है कि वो इंटरव्यू के दौरान ये जान सके कि जो स्टूडेंट है वो जेन्युइन है या नहीं. उनका मेन इंटेंशन स्टूडेंट से यही जानना होता है कि जो स्टूडेंट है वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो जेन्युइन है या नहीं टू स्टडी इन यूके. और साथ ही साथ यूके भी है कि ये एक हेल्प हो जाती है कि उनको पता चल जाता है कि आप किस कोर्स में एनरोल करने वाले हो और आपने क्यों चाहा वो कोर्स सुनना. और साथ ही साथ उनको ये भी पता चल जाता है कि आपके पास सफिशेंट फंड्स है या नहीं. अब हम बात करेंगे How is the interview conducted? दो तरीके से इंटरव्यूज होते हैं. पहला फेस टू फेस हो सकता है, आपका जो इंटरव्यू है वो एक वीजा एप्लीकेशन सेंटर में हो सकता है, या फिर टेलीफोन और वीडियो इंटरव्यू. यहाँ तो वो स्काइप पे इंटरव्यू ले सकते हैं, या तो फिर एनी अदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म. जो इंटरव्यू होता है वो राउंड अबाउट 10 to 15 minutes तक का होता है. और एक और चीज़ मैटर करती है उसमें कि आप कितना जल्दी उनको रिस्पॉन्स दे रहे हो. अगर आप लेट दोगे तो ऑब्वियसली टाइम बढ़ेगा, बट यूजुअली 10 to 15 minutes तक हो जाता है. अब हम बात करेंगे स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस. वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स. आपको अपने कोर्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. यू शुड हैव कन्फर्म्ड कि भाई मैं ये कोर्स ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. आपको उस कोर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो. और उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी. आपको यूनिवर्सिटी के बारे में भाई पूरी हिस्ट्री जान लेनी है. आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है. इनफैक्ट आपको लोकेशन तक पता होनी चाहिए उसकी, और उनके फैकल्टी कैसी है, सब कुछ आपको उनको डिटेल में बताना है. एंड फिर वो आपको पूछ सकते हैं व्हाई डू वांट टू स्टडी इन यूके. आप यूके में क्यों पढ़ना चाहते हो. तो आपको उनको अच्छे से सेटिस्फाई करना है कि भाई हम यूके में इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि भाई जो यूके का एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी डाइवर्स है, या अपने से कुछ भी बना के, बट हाँ मेक श्योर वो अच्छा ही बनाना जो भी बनाओगे. और जो इनकी जो डिग्रीज हैं या फिर जो डिप्लोमाज है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, जो यूनिवर्सिटीज है वो भी. तो उसके बाद वो पूछ सकते हैं हाउ विल दिस कोर्स विल गोना बेनिफिट यू इन योर फ्यूचर. और फिर आपको डिस्कस करना है कि आपका जो कोर्स है वो आपको क्या बेनिफिट दे सकता है आपके फ्यूचर में. आप क्या कर सकते हो अगर आप ये कोर्स चुनते हो तो. आपको पूरे बेनिफिट्स बताने हैं, आपको अपना इंटरेस्ट बताना है कि आपका इंटरेस्ट क्या कहता है इस कोर्स को लेके. उसके बाद वो पूछ सकते हैं, उसके बाद वो फाइनेंशियल क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे. हाउ डू यू प्लान टू फाइनेंस योर एजुकेशन. आपको उनको अच्छे से डिटेल में बताना है अपनी जो एजुकेशन है वो किस तरह से आप फी उसकी पे करने वाले हो. ठीक है, ये मत बोलना कि भाई हम वहाँ पे आके काम करेंगे तो वहाँ से अच्छे से फीस भरेंगे. भाई गर्मी लग रही है, बोलता हूँ एक सेकंड. आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना कि भाई मैं वहाँ पे आके काम करूँगा और उसके बाद मैं अपनी फीस दूंगा. ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना आपको. अगर वो पूछेंगे आप काम करना चाहोगे या नहीं तो आपको सीधा मना कर देना कि भाई मैं कोई काम नहीं करने वाला, हैव सफिशेंट फंड्स कि मैं अपने आप को बेयर कर सकूँ अपने फाइनेंसिस को और अपने ट्यूशन फीस को भी. तो आपको बिल्कुल उनकी बात को मना कर देना कि भाई मैं कोई काम नहीं करने वाला वहाँ पे. चाहे आप यहाँ पे आके पहले दिन ही काम करना शुरू क्यों ना कर दो, बट उनको आपको यही कहना है. आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने इनिशियल डिपॉजिट को दिया है कि नहीं दिया है. अगर आपने दिया तो बता देना, नहीं दिया तो मत बताना. वैसे तो देना पड़ता है क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज है वो इंटरव्यू ज़्यादातर तभी कंडक्ट करती हैं जब आपने उनको पहले डिपॉजिट दिया हो अपनी यूनिवर्सिटी फीस का. तो आपसे भी पूछ सकते हैं कि आप वहाँ पे जब आप यूके में लैंड करोगे तो आप भाई कहाँ रहोगे, आपके अकोमोडेशन प्लान क्या है, आप कहाँ रहने वाले हो, कुछ बुकिंग्स के बारे में बताओ, उनकी लोकेशंस बताओ. वो पूछ सकते हैं इस बारे में, तो मेक श्योर इस चीज़ का भी ध्यान रखूँ. पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड बैकग्राउंड इमिग्रेशन हिस्ट्री. अगर आप प्रीवियसली आपने ट्रैवल किया, आप पढ़े हो बाहर की कंट्री में, तो आप अपना वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करो. अगर आप नहीं पढ़े, अगर आप इंडिया में ही पढ़े हो या पाकिस्तान में ही पढ़े हो या बांग्लादेश में ही पढ़े हो, तो आप अपनी कंट्री का ही एक्सपीरियंस शेयर करो. फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके कोई रिलेटिव्स हैं क्या यूके में. अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई यहाँ पे रह रहा है तो आप मेंशन कर सकते हो. अदरवाइज आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो करो या नहीं करना चाहो तो मत करो. लेकिन मेरा तो यहाँ पे यूके में कोई नहीं था, इसलिए मैंने तो किसी को भी मेंशन नहीं किया. और मैंने यही कहा कि मेरा कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर
कोई भी नहीं है वहाँ पे, जो कि सच है। लास्ट में वो एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। आपने उनको अच्छे से बताना है कि भाई कोर्स जैसे ख़त्म होगा मैं वापस इंडिया चल जाऊँगा या पाकिस्तान चल जाऊँगा या फिर मैं बांग्लादेश चल जाऊँगा। आपको ये नहीं कहना है कि मैं यहाँ पर स्टे बैक करने वाला हूँ, बट हाँ ये कह सकते हो कि अगर मेरे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं एक्सपीरियंस गेन करूँगा एक साल डेढ़ साल या दो साल के लिए, बट उसके बाद मैं वापस अपने होम कंट्री आऊँगा और अपनी कंट्री अपने नेशन को सर्व करूँगा। तो आप ये चीज़ बिल्कुल मेंशन करना ताकि वो क्लेरिफाई हो जाए और वो उनको ये लगे कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप एक ऑथेंटिक स्टूडेंट हो, आप सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हो, वहाँ पे सेटल होने नहीं आ रहे हो। तो ये चीज़ अच्छे से बताना। आप ये वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखने वाले हो, वो आपको इस टाइप की क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे के सारे इंटर रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। हम 100% श्योर कि वो इसी रिगार्डिंग पूछेंगे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉमन रीजंस ऑफ रिजेक्शन। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कहते हैं कि भाई हम इंटरव्यू में फेल हो गए, या फिर लाइक वो कहते हैं कि भाई हम इंटरव्यू में हमको उन्होंने कहा कि आप चीटिंग कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो। तो भाई इस चीज़ का भाई आप बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कैमरे में देख रहा हूँ, ये मेरी आँखें और ये कैमरे, ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा हूँ, कैमरे के अलावा कहीं नहीं देख रहा। तो आपको भी यही चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई बैठा है, अभी मैं सपोज करूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आप मेरे सामने बैठे हो, तो मैं सिर्फ समझ रहा हूँ मैं कि आपको ही देख रहा हूँ, मैं कहीं और ना इधर देख रहा हूँ ना इधर देख रहा हूँ, ना मैं किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ ना कुछ, ना मैं कुछ भी चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखो और मेक श्योर करना कि आप इधर उधर ना देखो, बिल्कुल सामने देखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो भाई बिल्कुल इतनी सी बातें फेल हो जाते हैं, बट हाँ कुछ चीटिंग कर भी रहे होते हैं बट वो बोलते नहीं है। बट हाँ आप मेक श्योर करना कि जब आप इंटरव्यू दो तो आप बिल्कुल सामने देखो, बिल्कुल स्ट्रेट देखो और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बैठो और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोलो उनके सामने, ठीक है। और घबराना बिल्कुल नहीं है भाई, वो भी इंसान ही है हमारी तरह जैसे हमें भाई वैसे वो हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं आपको जो इंटरव्यू है वो भाई फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। फाइनेंशियल फंड्स थे वो इनसफिशेंट है, वो सफिशेंट नहीं है, उसकी वजह से भी भाई वो रिजेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर वो एक और चीज़ से रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपकी जो क्लैरिटी है आप नहीं दे पा रहे हो उनको, कि आपका जो कोर्स है या फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंट होकर नहीं बता पा रहे हो, या फिर लाइक आपने गलत बता दिए बाय एक्सीडेंट। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिसने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है बट उसने या तो अपना पासपोर्ट नंबर गलत बोल दिया या अपना स्टूडेंट आईडी नंबर तक गलत बोल दिया या कुछ ऐसा छोटी मोटी चीज़ें उसने गलत बोल दी अपनी ही इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो उस वजह से भी भाई रिजेक्ट हो सकता है। अपना पासपोर्ट नंबर और अपने स्टूडेंट आईडी बिल्कुल भाई रीड कर लो, अपने दिमाग में सेव कर लो, भाई हिलनी ही नहीं चाहिए। मेरे को आज तक याद है जबकि मेरे को यूके आए 1 साल हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भाई ध्यान रखना। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों से भाई इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा भाई, मैं कह रहा हूँ बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत खतरनाक नहीं होता, बट हाँ कॉन्फिडेंट रहो, डरो मत, वो भी इंसान है जैसे मैंने पहले बोला, डरना बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंट रहो यार, क्या दिक्कत है कॉन्फिडेंट रहने में, ठीक है। और अपनी बातों के साथ क्लियर रहना, उनको अच्छे से सेटिस्फाई करना आपने, ठीक है, ये आपका मेन गोल होना चाहिए। उनको बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई करो कि भाई मैं वापस अपनी कंट्री आऊँगा या आऊँगी ही आऊँगी, मेरा कोई मकसद ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं यूके में रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ आफ्टर माई स्टडीज़। आपको बोलना है भाई मैं वापस आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, ठीक है, जैसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट होती है, 3 साल 2 साल या 1 साल, जैसे भी पढ़ाई कंप्लीट होगी आई विल बैक टू माई होम कंट्री, दैट्स इट। अगर मैं कुछ टिप्स दूँ आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग, पहली बात, जब मेरा अपना इंटरव्यू हुआ था तो जब मेरी बात होना शुरू हुई थी तो भाई मैंने अपने साथ में गिलास पानी का रख लिया था और मैंने बोला था कि भाई मैंने सामने से उसको बोल दिया कि भाई मैं अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, थोड़ा सा शाय हूँ, ऐसा बोल दिया जबकि मैं नहीं हूँ, ठीक है। बट हाँ उसके सामने थोड़ा हो जाता कि अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता इंसान, तो हाँ भाई उस चीज़ का ध्यान रखो, अगर हो तो आप बोल सकते हो, वो कुछ मना नहीं करते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे आपकी बात पे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, बोल देना कोई बात नहीं। अगर आप थोड़ा सा घबरा रहे हो, इट्स ओके, आपका पहला इंटरव्यू है, आप पहली बार किसी कंट्री के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो इस चीज़ को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अपनी बातों से भाई बिल्कुल ऑनेस्ट रहो और आपको अपनी वर्डिंग्स याद होनी चाहिए कि आपने क्या बोली थी, वो आपको फिर से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको पूछा कि भाई आपकी फाइनेंशियल, आपने कितनी फीस आपकी है, आपने बोल दिया कि भाई मेरी 15,250 फीस है, ठीक है, तो उसने फिर से वो पूछ लिया कि भाई आपकी फ़ीस कितनी है, तो आप 15,300 बोल दिए ना, 50 बढ़ा दिए या कुछ कर दिया, आपको मिसकम्युनिकेशन हो गया माइंड में, आपको ध्यान नहीं रहा या आपने जल्दबाजी में बोल दिया, तो भाई वहाँ से भी मिसलीडिंग हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा उधर से भी। तो मेक श्योर भाई वो चीज़ गलत मत करना, जो भी बोल रहे हो सोच समझ के बोलना, चाहे थोड़ा टाइम ले लेना, ज़्यादा मत लेना, बट बोल देना सही बोलना, पर बी ऑनेस्ट। मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए ना भाई उसकी प्रैक्टिस करो,
15-20 दिन लगा के अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद इंटरव्यू दो। मैं तो कह रहा हूँ भाई 5 दिन भी मोर देन इनफ है, बट 5 दिन मैंने तो भाई खुद 10 दिन ले लिए थे। बट हाँ भाई 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन प्रैक्टिस करो जितने भी आपको क्वेश्चन दिए। ऐसा नहीं कि याद करो, वो कुछ और क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वो बाय हार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन, आपको समझना है कि वो बोल क्या रहा है, वो चाहता क्या इंसान, आपको कैसे सेटिस्फाई करना है उसको, तो आपको वो चीज़ पर ध्यान देना है। बिल्कुल काम रहो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, घबराना बिल्कुल नहीं है भाई, मजे से चिल मार के इंटरव्यू दो भाई। बिल्कुल बैठ के खाओ पियो अच्छा, और रात को भाई अच्छी नींद ले लेना। ऐसा नहीं कि भाई जैसे सुबह सो के उठो तो भाई आधी नींद में इंसान बात कर रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेक श्योर अच्छी मील लो या फिर शाम के टाइम का इंटरव्यू रखो। सुबह सुबह किसी को होता है कि भाई वो अंडर कॉन्फिडेंट होता है या फिर अंडर कॉन्फिडेंट होती है, तो जल्दबाजी में मतलब हो जाता है सुबह सुबह स्किप ना, कि थोड़ा सा रिवीजन का भी टाइम मिल जाता है। तो कोशिश करना कि दोपहर या शाम के टाइम का इंटरव्यू लो, या रात का भी मिल जाता है रात का ले लो, क्योंकि भाई टाइमिंग जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है यूके की और इंडिया की ना, या इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश आगे पीछे की, थोड़ी टाइम का इशू होता है। तो कोई ना, शाम का, दोपहर का रखो या रात का रख लो तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम 2-4-5 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो आप उसमें भी रिवाइज कर सकते हो। तो यही थे मेरी टिप्स। आई होप आपको अच्छी नॉलेज मिल गई होगी, आपको पता चल चुका होगा कि भाई जो कैश लेटर है वो किस काम आता है। मैंने अच्छे से डिटेल्ड वीडियो बनाई है ये, और आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कैश लेटर का इंटरव्यू है वो भी कैसे देना, और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और कैश लेटर एग्जैक्टली होता क्या और कैसे काम करता है, मैंने आपको वो भी बता दिया। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक। और जो भी आपके फ्रेंड्स यूके आने वाले हैं, आने वाली है, तो भाई उनको शेयर करो, उनको बताओ कि भाई कैश लेटर कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैश लेटर इंटरव्यू के बारे में उनको नॉलेज दो, और खूब शेयर करो इस वीडियो को। और करता हूँ मैं वीडियो कहीं पर खत्म। सो टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।